स्टेडियम के बाहर, क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा था तो मैं बाहर आ गया, क्योंकि मेरे को भूख भी लग रही थी, मेरे को कुछ खाना है, और खाना इसलिए ताकि मैं दोबारा जाके अंदर धूप में जल सकूं, और मेरे को जलना इसलिए क्योंकि मेरी पूरी टीम वहीं पे बैठी हुई है, अब मेरी टीम वहाँ पे बैठी हुई है ताकि मोदी जी आए। मोदी जी तब आएंगे जब उनका दिल होगा, क्योंकि वही देश के हैं प्रधानमंत्री। मैं इस चैनल में और इस वीडियो में पक्का कह रहा हूँ, सौरव जोशी है ना मेरे भाई के ना पैरों की धूल है। अगर और दो साल मोदी रहे ना भाई, अगर और दो साल या चार साल आने वाले मोदी जी दी, चांद चांद पे जाने का रास्ता मिल जाएगा भाई सबने, फुल टोटली जितने भी हैं। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि ब्लॉग्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। तो कैसे आप लोग, आप देख रहे हैं आदि ब्लॉग, जी हां जी हमारा चैनल। तो कमबैक कर चुके हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, थंबनेल आप लोगों ने रीड कर ही लिया होगा आई होप। अब आगे अभी फिलहाल बैठे हूं अपने बस में, मेरे साथ बैठे मेरे दो दोस्त जो हम एक स्ट्रीट में रहते हैं, आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, पहली बार दिखा रहा हूं, देव और जय। अभी हम जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहाँ पे हम देखेंगे आज साक्षात, वो बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा, वो सरप्राइज है गाइस, वेट करो। अभी जाओ फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी वहाँ पे, जाओ प्यार सपोर्ट दिखाओ, फॉलो कर लेना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो भी अभी तक नहीं आया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे चले जाना। और इसके साथ साथ अभी फिलहाल हम जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बाकी बात करता हूँ बाद में, अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कहाँ से आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को अभी अंदाजा नहीं होता, मेरे को नहीं पता होता जितने भी व्यूवर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है, मेरे को पता लगता रहेगा, और हर कमेंट का रिप्लाई मिलता है, रिव्यू हर कमेंट का देते हैं, तो आप लोगों का भी देंगे, तो मेक श्योर इस वीडियो पर कमेंट ज़्यादा ज़्यादा करनी है, कहाँ से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, नेक्स्ट कंटेंट क्या चाहिए वो मेरे को बता देना क्या, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मोदी तो मिलने जा रहा हूँ, यारे जूते पैर रखे, यार पैंट पैर रखा, ये फटी हुई लो भाई, ये बड़ी पहली मिल आई हूँ भाई, देख लो भाई, बंदा जी जहान बना फिर भी बंदा सबके दिल में। लो भाई गाइस, मैं आ चुका हूँ, मेरे साथ देव जय और देव के फादर साहब, और जितने भी आए हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में के अंदर, लोग आइए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, अभी आपको पूरा सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, अभी आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा गाइस, सब कुछ जितना भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ आप लोगों के लिए पूरा करूंगा। बट अगर अभी भी आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं करा ब्लॉग, तो अभी जाओ फटाफट कर दो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जैसे मेरा नया ब्लॉग है आप लोग तक बड़े प्यार से पहुंचे। उसके साथ साथ आपको दिखाता हूँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी दिखाता हूँ जो हमारे सामने है, लो देख लो भाई, ये है गाइस हमारी पूरी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, देख लो भाई ये रही। और हमारे बिल्कुल सामने जो है हमारे सामने आप लोग बिल्कुल देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो भी बिल्कुल मेरे सामने, अभी आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ, देख लो ये रहा हमारे सामने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। गूस बम्स आ रहे हैं गाइस, मेरे को गूस बम्स। So guys, finally we reached जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एंड दिस इज द गेट ऑफ एंट्रेंस। अभी हम जा रहे हैं इस गेट के अंदर से अंदर, बाकी जो भी होगा अंदर जाके पता लगेगा आप लोगों को, अंदर जाके मैं भी पहली बार जा रहा हूँ मैं। लो जी लेडीज लाइन है वो अंदर एंट्रेंस के लिए जवाहरलाल नेहरू के अंदर, लो जी सारा सामान यहीं पे डलवा लेते हैं, पानी सिक्के लोहे से रिलेटेड जितना भी सामान होता है जितना भी वो सब कुछ आपका यहीं पे जमा कर लिया जाता है, क्योंकि अंदर नहीं ले जाया जाता। लो गाइस ऐसी हालत के साथ आ चुके हैं हम यहाँ पे, ये रहा मेरे सामने पूरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गाइस,
और अभी आप लोगों को पूरी पुलिस फोर्स दिखाता हूँ, हमारे आईपीएस आईएएस अधिकारी जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, हमारे आईपीएस ये तो आइए सत्ता में विजय तेरे का जरे का, ये हमारे आईपीएस साहब क्या भाई अपना नरेला का प्रवेश द्वार। गाइस ये जो साई लिखा हुआ है इसका मतलब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर्च। लो गाइस देख लो, और ये मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा, देखो 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 भाई, मैं अपने भाई को एकदम साथ में रखता हूँ। अच्छा, क्योंकि एक लौता ऐसा ही भाई है जो यूट्यूबर है। ओ मैं इस चैनल में और इस वीडियो में पक्का कह रहा हूँ, सौरव जोशी है ना मेरे भाई के ना पैरों की धूल है। लो भाई देख लो एक बार आगे का व्यू मेरे फ्रंट ऑफ व्यू का। जो गाना गा रहा था तो यहाँ पे चल रहा था, वो ये था यहाँ पे वो लगा हुआ है स्टूडियो। माइक बंद हो गया इसका तो भाई, मैं हूँ फाइनली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, अभी चल रही है यहाँ पे आरती, और अप्रोक्स टू अप्रोक्स में बता देता हूँ यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 लाख पब्लिक बैठी होगी अभी भी, करंट में बता देता हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं, अभी दिखाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं, बट वो कीड़े मकोड़े जो इंसान है। लो चलो दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ वीडियोस, कुछ सिनेमैटिक्स और कुछ स्लोमोज, जिसको देख के आप लोग लो मजे। थोड़ी सी धूप लग रही है, बस ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट आप लोग देखो और बताओ कैसा लगा। लो भाई ऐसा है कुछ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन साइड से जो व्यू दिखाया आपने, थोड़ा आज रश ज्यादा है, बाकी तुक्का ही लगा सकते हैं, कोई एक्यूरेटली नहीं बता सकते गाइस, आ तो जा तुक्का ही लगा सकते हैं, कुछ परफेक्ट नहीं बता सकते, बट अप्रोक्स 1.5 से 1.5 लाख बंदे तो है कम से कम, तुम्हारा कितना अंदाजा भाई कितने पानी है भाई, कितना अंदाजा कितने बंदे बड़ी सीमा है
मन्ना नहीं मेरा यार को रेट से एक लाख कम तक बड़े चाहिए, एक लाख तक ठीक है। और अभी होना आन लग रहे हैं अभी, और भाई वाह, लो भाई देख लो पूरे पूरे व्यू दिखा दिए भाई, पूरे पूरे व्यू दिखा दिए, लो भाई चलो चलो चीतो चलो। लो भाई हमारी जल चल रहा है पीछे देखो, लो भाई वो बनाना है, अरे बाहर निकाल दिया जाएगा तो वापस नहीं आ पाएंगे। लो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ स्टेडियम के बाहर, क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा था तो मैं बाहर आ गया, क्योंकि मेरे को भूख भी लग रही थी, मेरे को कुछ खाना है, और खाना इसलिए ताकि मैं दोबारा जाके अंदर धूप में जल सकूं, और मेरे को जलना है इसलिए क्योंकि मेरी पूरी टीम वहीं पे बैठी हुई है, अब मेरी टीम वहाँ पे बैठी हुई है ताकि मोदी जी आए, मोदी जी तब आएंगे जब उनका दिल होगा, क्योंकि वही देश के हैं प्रधानमंत्री। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ खाता हूँ फिर वापस चलते हैं, बट पहले देख लेता हूँ खाने का मिलता कहाँ पे, क्योंकि स्टेडियम से तो बहुत बाहर आ चुका हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। अगर 5 मिनट दो खाने का ढूंढ के कुछ खा पी के तब मिलता हूँ 5 मिनट। लो भाई मोदी आ लिया, मतलब मोदी जी आ गए और हम बाहर खड़े हैं, अब मैं फटाफट भाग के जाता हूँ अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा सब कुछ। अरे मोदी की आवाज़ और इस बाहर खाने पीने का कुछ नहीं मिला बताना, भूल गया बाहर खाने पीने का कुछ था ही नहीं यहाँ पे कहीं भी, और ये रहा मेरा वीआईपी पास जिस रीजन से मैं बार बार बाहर आ सकता हूँ वापस जा सकता हूँ, यस। और मतलब जिसके पास ये पास नहीं है उसके अलावा किसी की एंट्री नहीं है, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हो यहाँ पे सबके पास पास है, अंदर जितने भी लोग देख रहे हो उनके पास पास नहीं होगा, पास सिर्फ हम लोगों के पास होगा, बस दैट्स इट। मिलता हूँ आप लोगों से अंदर। आ चुका है मोदी, वो खड़ा हमारे मोदी जी बीच में मोदी देखो कैसे क्या, 1 2 3 4 5 6 ये हर बाउंड्री पे खड़े हैं, देखो जितनी भी मतलब ये गेट है, अब एक गेट दूसरा गेट तीसरा गेट चौथा गेट पांचवा गेट छठा गेट सातवा गेट आठवा गेट नौवा गेट दस, ऐसे बहुत सारे गेट हैं यहाँ, बहुत सारे गेट हैं, तो ये सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो ऐसे ही किसी को अंदर नहीं आने देते, ठीक है। ये है जो जो मोदी ने डेवलप करवाया और करवाएगा 2025 में 26 में 27 में 28 में। अगर और 2 साल मोदी रहे ना भाई, अगर और 2 साल या 4 साल आने वाले मोदी दे दिए चांद चांद पे जाने का रास्ता मिल जाएगा भाई सबने, फुल टोटली जितने भी हैं। देखो दादी ने दादी दादी चार्ट दिखाइयो, चार्ट चार्ट दिखाओ यहाँ दिखाओ, ये दिखाओ चार्ट चार्ट दिखाओ दिखाओ तो ये दिखाओ इसमें यहाँ ये। लो भाई धन्यवाद मोदी, ये सारी स्टोरी चल रही है भाई, दादी भी टोपी लगा के बैठी है।
देखो भाई इतनी जल्दी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, ये हो गया प्रधानमंत्री मोदी की पावर। प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं, ये देखो बहुत ज्यादा है गाइस। कितने दिन हम आप लोग पागल हो जाओगे देख देख के, समझ रहे हो? कम से कम 1 से 1.5 लाख बंदे बैठे हैं। देखो जो तुम इतना देख पा रहे हो ना, ये अंदर तक ही इतना भरा हुआ है, पूरा अंदर तक गुस्सा होता है, अंदर तक ही भरा था पूरा, ताकि इन्हें सामने का बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा अपने वहाँ बैठे हैं। देखो भाई चील घूम रही है इन सब के ऊपर, इन सब के ऊपर घूम रही है चील, वही आ रही है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये तो नहीं आ गई देखो स्टेडियम की भाई पाइप, देखो गाइस स्टेडियम की भाई, लो भाई आ गया मोदी, सुन लो अब ये कहूँगा। जेडी ले आ जा, ले मैं वही खेच दूं, आ जा ओके गाइस अब निकल चुके हैं यहाँ से हम बाहर, अब डायरेक्ट जाएंगे हम लोग घर पे, अब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे। और ये देखो हमारी दिल्ली पुलिस, और इसी के साथ गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, प्लस सब्सक्राइब कर लेना आदि ब्लॉग्स को, क्योंकि आप लोगों के लिए इतने झर झर कंटेंट लाते रहे हैं और लाते रहेंगे गाइस आने वाले टाइम में भी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर देगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जाके मेरे को भी फॉलो कर दो, इसको फॉलो कर लेना गाइस। और ये भाई स्केचर है, स्केच बनाता है सबके, जस्ट 900 रुपीज में एक ऐसा प्यारा स्केच तैयार करता है भाई। तो अगर आप लोगों को बनवाने तो मेक श्योर आप लोग बनवा सकते हो। बाकी कुछ रिजल्ट्स होंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट शॉर्ट में दिखा दूंगा आप लोगों को, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को लोग पसंद है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना गाइस, बाय, सब्सक्राइब कर लेना आदि ब्लॉग्स को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।